केंद्र सरकार द्वारा अनुच्छेद 370 को हटाए जाने की खुशी में देश भर में भाजपा जश्न मना रही है। शिमला में भी इस बड़े फैसले को लेकर भाजपा ने जश्न मनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज के नेतृत्व में लड्डू बांटकर व पटाखे जलाकर जश्न मनाया। वहीं प्रधानमंत्री व अमित शाह के समर्थन में खूब नारे भी लगाए। शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज ने अनुच्छेद 370 व अनुच्छेद 35A हटाए जाने और जम्मू कश्मीर व लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी व गृह मंत्री अमित शाह जी को बधाई देते हुए कहा कि यह भारतीय लोकतंत्र का स्वर्णिम दिन है। कांग्रेस द्वारा की गई एक ऐतिहासिक भूल को सुधारते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की जनता से किए वादे को न केवल पूरा किया बल्कि अखंड भारत के निर्माण की नींव भी रख दी है। उन्होंने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी इस मुद्दे को लेकर शहीद हुए थे, उनका बलिदान आज काम आया है। निश्चित रूप से आप देख रहे हैं सेलिब्रेशंस हो रही हैं। ये भारत के इतिहास में विशेष रूप से लोकतंत्र में स्वर्णिम दिवस के रूप में जो है वो जाना जाएगा। जब कश्मीर जो 1947 को भारत का अंग बन चुका था लेकिन उस समय के राजनीतिक निर्णयों के कारण जो है आज तक भी जो धारा 370 के अंतर्गत अलगाववादी रूप में जो है वो हिंदुस्तान में जो है बना रहा है। वहाँ के अलग संविधान, अलग विधान, अलग प्रधान, इस प्रकार का नारा वहाँ पर लगाया जाता रहा है। भारतीय जनता पार्टी की पूर्व जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी इसी बात को लेकर के कि जम्मू कश्मीर भारत का अभिन्न अंग बने, एक प्रधान हो, एक निशान हो और एक संविधान हो, इस बात को लेकर के सत्याग्रह करते हुए श्रीनगर की जेल में बलिदान हुए थे। आज जो है वो उनकी शहादत जो है वो रंग लाई है। हिंदुस्तान के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने जो हिंदुस्तान की जनता ने एक व्यापक जनादेश दिया था इस बारे में उसको पूरा करते हुए 370 को समाप्त किया है, 35A को समाप्त किया है, लद्दाख को अलग केंद्र शासित प्रदेश बना करके जम्मू कश्मीर को अलग प्रदेश बना करके भारत का अभिन्न अंग बनाया है। ये भारतीय लोकतांत्रिक इतिहास का जो है स्वर्णिम दिवस है जिस पर जो है जश्न मनाया जाना चाहिए। और आप देख रहे हैं शिमला में भी स्पॉन्टेनियसली लोग जो है वो बधाई देते हुए मिल रहे हैं, सब जो है यहाँ पर जश्न के माहौल में है और जश्न मनाया जा रहा है। लाइव टाइम्स टीवी के लिए शिमला से सोनी की रिपोर्ट। लाइव टाइम्स टीवी के फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।